आज आपको बताने वाला हूँ कि जो स्टाफ होते हैं ना उनकी दिनचर्या क्या क्या होती है, वो कैसे कैसे रहते हैं अपनी छुट्टी के दिन। Hey, what's up my YouTube family? Welcome to my new episode. तो ये episode क्या होने वाला है मैं तुमको फटाक से बता देता हूँ, क्योंकि आज देखो आज क्या है, आज है मंडे। ओके, और मंडे अभी बज रहे हैं 2:35। मैं ब्लॉग अभी अपना स्टार्ट कर रहा हूँ और ये स्टार्ट अब हो रहा है क्योंकि एक्चुअली आज मेरा छुट्टी है। तो छुट्टी के दिन मैं क्या क्या ऊट पटांग मस्ती करने वाला हूँ और जो हरकतें करने वाला हूँ ये पूरा रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालूंगा। और साथ में साथ में मेरी फैमिली जो है ना ज्यादा एक्साइटेड है, तो क्या करता है छुट्टी के दिन वो बता। सो आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग एंड आप लोग क्या कर सकते हैं और आप लोग क्या करते रहेंगे मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार जाके खाली स्लीप स्लीप स्लीप। मैंने सोया भाई, क्योंकि अभी 2 बज रहे हैं, 1 बजे तक सोया। अब उसके बाद में ना खुरापाती करने का मन कर रहा है। खुरापाती इन द सेंस खाना बनाएंगे, कपड़े धोएंगे, फिर उसके बाद में बातें करेंगे घर पे, फिर उसके बाद में मार्केट जाएंगे और फिर बाल को कटवाएंगे। मतलब ये पूरा दिनचर्या होने वाला है। अगर आप रियली अभी नए हो मेरे इस चैनल पर तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आपको बहुत सारी वीडियो आगे और भी दिखने वाली है जो कि आपको पता नहीं होगा कि सैलरी से लेकर ओवर टाइम से लेकर पैसे से लेकर, तो धीरे धीरे जो स्ट्रगल मैंने किया है वो सब बताने वाला हूँ। तो चलो बताने वाला हूँ, ऑलरेडी मैं भी बता भी चुका हूँ, तो आप जाइए देखिए मेरी प्रीवियस वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये ब्लॉग और इस ब्लॉग शानदार ब्लॉग में। तो मुझे बनानी है कॉफी। तो ये एक प्रकार का चूल्हा है जिसमें अभी मैंने राइस पक रहा है, ठीक है, अभी मेरा राइस पक रहा है और चूल्हा है। दोस्तों मेरे को बनाना है कॉफी, मगर एक बात ध्यान रखना आप लोग, जो भी मिल्क लोगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा होना चाहिए लो फैट मिल्क, समझे। तो दोस्तों लो फैट मिल्क लिखा होना चाहिए तो जाके आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और यहाँ पे जितने भी मिल्क है सब फुल फैट भरे हुए हैं और जिससे आपका फैट ज्यादा जल्दी इंक्रीज होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप इसलिए यहाँ पे हेल्थी रहने आए हो, राइट, और आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक टिकना है, 2 साल पूरा है, मामूली बात नहीं है, 2 साल बहुत बड़ा वो है। तो आपको स्टे फिट रहना पड़ेगा, तो ऐसा ऐसा चीज खाना पड़ेगा जो आपके लिए हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ और क्या है। कॉफी बना लेते हैं। ओ मेरी कॉफी तो बन गई यार। तो यहाँ पे मेरी कॉफी बन चुकी है एंड कॉफी है और साथ में मेरा ये ब्लैक चिक पी जो मैंने रात को भिगाया था। भाई जब चना खाना है घोड़े की तरह भागना है लाइफ में, इतना तेज भागना है कि पूछो मत, सबको पीछे छोड़ना है। ये अपना माइंडसेट अभी अपने माइंड के अंदर घुसा लिया है कि भाई अब लाइफ में और आगे बढ़ना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है, पैसे से नहीं और आगे बढ़ना है और ऊपर उठना है। यार बार बार बहुत हो गया पैसा पैसा, मतलब कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, यार मेरे को कुछ पैसे दे दे, इतना आगे उठना है, पैसे का कुआं ही खोद देना है सारा। आप लोग क्या करोगे, किस तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्या पता वो सारा कमेंट मेरे को मोटिवेट कर जाए कि यार इसने इस तरह इसने इस तरह। तो बने रहिए, एक्सीलेंट होने वाला है वीडियो में। तो भाई साहब मैंने ईस्ट इंडिया का और जिंजर एंड गार्लिक ले लिया हुआ है, ये पेस्ट तो मैं इंडिया से लेके आया था मगर मेरा खत्म हो गया है। ये जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, ये करली लीव निकाला इसको तड़का देने के लिए। तो ये चिकपी घोड़े की तरह भागना है ना, आपको ही भागना पड़ेगा लाइफ में। और ये 2 टमाटो निकाले हैं, ये है और ये पटेटो है, ये इतने चीज है मेरे आज के लिए। ये सॉल्ट है, ये देखो मैंने ना ये भी लिया था, इसको बोलते हैं ओट्स, मगर ये मेरा फिनिश हो गया तो ये मेरे सॉल्ट रखने के काम आ रहा है। एंड ये है प्रेशर कुकर जो मम्मी ने भेजा था, दैट्स इट अभी के लिए। मैं इसको आज खाना बनाऊंगा और रात को फिश बनाऊंगा। तो ये अभी का चामझाम है एक बंदर। और मेरे कपड़े यहाँ पे देखो धो रखे, अब मेरे को इसके अंदर वापस से ड्राई एक बार वाटर डाल के ड्राई करना है एंड दैट्स इट, इतना ही। और मेरे स्पाइसेस किस तरह, भाई देसी आदमी हो पता है, देसी आदमी कहाँ कहाँ से जुगाड़ लगा लेता आपको पता नहीं, आओ दिखाता हूँ। ये रहे मेरा देसी आग, ये मैंने क्या किया, जो पानी पीने का छोटा बोतल आता है ना उसके अंदर से जीरा भर दिया। और इसके अंदर क्या किया, जो अपना छाछ आता है ना, छाछ की बोतल लेके उसके अंदर राई भर दिया। और ये सारे जो डब्बे दिख रहे हैं ये सब 1 KD के, मेरे को 6 डब्बे मिले और मेरा 6 डब्बे में काम नहीं हो रहा था। तो मैं समटाइम बिरयानी ऑर्डर करता था तो वहां से मेरे को करी का डब्बा मिलता था, तो उस करी के डब्बे में मैंने बना दिया ये जुगाड़, मतलब समझ लो
पैसा बचाना है, पैसा गंवाने नहीं आए ना, पैसा कमाने जहाँ पे एक एक चीज आपको सोचना है। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। मैं आपको खाली तरीका बता रहा हूँ कि मैं ऐसा करता हूँ, क्या पता आप भी अप्लाई कर सकते हो किस चीज को, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लगेगा यार इतना महंगा है मैं नहीं खरीदूंगा, इतना ज्यादा महंगा है, तो वो सब कुछ घबराने की बात नहीं। दिमाग चलाओगे तो सब 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 दिमाग भगवान ने बनाया, इतना बढ़िया बनाया है, पूछो मत। यही दिमाग आपको कमजोर बना सकता है, यही ताकतवर बना सकता है, ताकतवर। कोई नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुनिया बहुत हसीन है यार। आप निगेटिव साइड को देखेंगे तो रोएंगे, पॉजिटिव साइड को देखेंगे हंसेंगे। तो मैं अब मेरी जिंदगी में बहुत सारे निगेटिव साइड हुए हैं, अगर मैं उन चीजों को याद करूंगा तो ये रोने का मन करेगा, मगर मैं बोलता हूँ नहीं, वो इमोशन को साइड में रखना है और जिंदगी को खुल के जीना है। तो मैं जी रहा हूँ अपने, मेरे को क्या होता है कि वीडियो बना रहा हूँ एंजॉय कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये पूरा तामझाम मैंने ला रखा है, ये अभी तक इंडिया के मसाले चल रहे हैं, अभी तक मेरे खत्म नहीं हुए, एंड सच में बता रहा हूँ अभी तक खत्म नहीं हुए, अभी थोड़े बहुत खत्म हुए तो मैं लेके आ चुका हूँ। तो अभी वेट करिए, मैं फटाफट से अपना कटिंग वेटिंग कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ उतनी गुड कॉफी की हो जाए। कॉफी तो इतनी लाजवाब बनी है ना, लो फैट मिल्क के साथ में। तो भाई साहब अपना कट गया टमाटर, ऑनियन एंड ये इतने सामान है, और मेरे पास में जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पर रखा हुआ है। तो मैं तो गार्लिक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, सीधा यही पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ ना ये चना बनाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। अब मैं सीधा आपको मिलूंगा, सीधा खाना बन जाएगा तब, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं खाना बनने के बाद में। के लिए क्या क्या ड्रामा करना पड़ता है, ट्राइपॉड भी लेके आना पड़ा, यहाँ पे ऐसे सेटअप करूंगा तब जाके इसका शूट होएगा। ये भूल गया था, सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है, तो इसे लाना लेके आ सको। साहब अगर ये कुकर नहीं होता ना मेरा कुछ काम नहीं बनता। थैंक यू मम्मा, आपने हमें इस कुकर को देने के लिए कितना सारा काम हो जाता है। अभी तड़के लग रहे, तो मैं सोच रहा हूँ जब तक कुकर सीटी दे रहा है तब तक मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँ, दो चार पुशअप मारूँ, सो दैट अच्छा रहेगा मेरा हेल्थ के लिए। सो स्टार्ट करते अपना पुशअप। भाई आप लोगों को टाइम मिल जाएगा ना थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, नहीं तो परेशान हो जाओगे, बॉडी आपकी है ना खराब होने लगेगी अंदर से। पैसा कितना भी कमा लोगे मगर बॉडी खराब हो जाएगी, ये याद रखना। तो मैं आपसे कोशिश करूंगा 10 पुशअप 20 पुशअप से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे उसको उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करूंगा जिस तरह मेरी वीडियो इंक्रीज हो रही है। आप क्या कर सकते हो आप देख लो, मैं बता दिया, अब मैं स्टार्ट करूंगा। बिकॉज आई वांटेड टू बी स्टेबल, आते आते जब आऊँ ना तो लगू साला कुछ अपनी बॉडी गवा के नहीं आया। तो यहाँ पे मेरा राइस रेडी है और एक कस्तूरी मेथी है जो मैंने इसमें डाल दिया है, तो इसका ये डालने के बाद में टेस्ट बेहतरीन हो जाता है। तो अब हम टेस्ट मास्टर है, तो चल दो अभी जब बन के आएगा ना तब देखते क्या सिनेरियो, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो दोस्तों 2 घंटे की मेहनत के बाद में फाइनली मेरा करी एंड राइस रेडी हो गया है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ एक्साइटेड के साथ में, मगर अगर धनिया होता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता, मगर धनिया नहीं है क्या करें। चलो देख लो किस तरह से बना हुआ है, देखिए आप सिनेमेटिक चेक करें, ये चेक करें आपको पता चलेगा किस तरह से, आई थिंक लाजवाब होगा, खाने में तो और अच्छा लगेगा। तो
भाई साहब फाइनली मेरी करियन राइस रेडी हो चुकी है, अब खाने का जुगाड़ करते हैं। पहले मैं खाऊंगा यार, बहुत ज्यादा भूख लगी है और अभी बज रहे हैं 4। मैं स्टोर पे होता था, कुछ ना कुछ तो खा लिया करता हूँ जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चलता है और लिटरली बता रहा हूँ। चलो खा के देखते हैं इस करी को। पानी वैसे ही आ रहा है मेरे मुंह में, अगर आपके मुंह में वाटर आ रहा है तो प्लीज़ बनाइएगा और खाइएगा। मैं एंजॉय करता हूँ अपनी इस राइस एंड सबसे ज़्यादा इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर मैंने यूज़ किया है मैगी मसाले का 1 सिंगल पैकेट, जो अपने इंडिया में 5 रुपए का एक मिलता है, उस मैगी मसाले ने कमाल कर दिया, कसम से बता रहा हूँ कमाल कर दिया। और हाल कुछ ऐसा बना दिया है मेरे करी का, तो इस रियली टेस्टी याम में, आप भी खाइए खाइए तो सच में इस एक्चुअली सीन क्या है कि खाना खाने का मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ, मैं इतना फूडी हूँ कि पूछो मत, जिसकी कोई जवाब नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। आप लोग हो कि नहीं कमेंट करके मुझे बताना। यम्मी बनाए, यम्मी मतलब बहुत ज़्यादा एक नंबर बनाए। चलो आगे क्या कार्यक्रम होने वाला है हम बाद में बात करेंगे, अभी मम्मा के पास फ़ोन करना है, घर पे बात करना है, उनको बताना है कि आपने जो बताया था वैसे ही खाना बनाया और लाजवाब बनाए। बस यही है मेरा दिनचर्या, अभी जाएंगे तो बाहर तो भी निकलेंगे, अभी बहुत कड़क धूप है भाई, इतना धूप है ना 48 डिग्री पहुँच रहा है, मतलब मैं अगर एक अंडा फोड़ूंगा ना ऑमलेट मेरा रेडी हो जाएगा बिना गैस के, समझ रहे हो। एक्सपीरियंस करने के लिए मौका नहीं है, तो कसम से बताऊँ मैं सोचा था कि एक बार एक्सपीरियंस करके देखता हूँ। कोई कुछ नहीं, अच्छा मैं फटाफट से खा लेता यार, बहुत भूख लगी है, बातें तो बहुत करनी है। तो बड़ी बस निकल गया हूँ अब घूमने के लिए थोड़ा, मगर घूमूंगा कहाँ, खाली रोडों पर घूमूंगा आज और अपने साथ में एक्सपीरियंस गेन करूंगा कि यार बहुत दिन के बाद में जो छुट्टी मिल गई 2 वीक में, ये बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। तो आज अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्या एक्सप्लोर करेंगे नहीं पता, थोड़ा सा अच्छा अच्छा घूमूंगा, फिर जाके बाल कटाऊंगा, फिर जाके घर पे जाऊंगा, चलते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ना धूप अभी एकदम कम है, बज रहे हैं 5:30 मीन्स ऑलमोस्ट थोड़ी देर में 6 बज जाएंगे एंड अपन निकलते हैं, पहले रोड क्रॉस करते हैं, नहीं तो वीडियो धरा रह जाएगा और रोड क्रॉस हो गया है इंशाल्लाह। लिखा हुआ है टाटा, अच्छा है ना टाटा लिखा हुआ है, देख लो वो रेंट वाला है, रेंट के लिए जिसको भी चाहिए होगा तो वहाँ पे जाएगा, ऐसा ऐसा लिखा रहता है बिल्डिंग में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, रेंट पे मिल जाता है सब कुछ, तो आप लोग समझ गए होगे ना, तो रेंट के लिए टेंशन मत लेना, बिल्डिंगों में से बड़े बड़े लिखे होते हैं, आपको खाली फ़ोन करना है और पूछना है आपके साइज का आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं और बाकी सब बढ़िया है। तो आ गया हूँ बाल कटवाने वाली जगह पर, मेरे पीछे है, अब मैं जाऊँगा इसके अंदर, पहले बाल कटा लूँगा यार, काफ़ी सर दर्द होता था, अब नहीं होगा बाल कटाने की वजह से, अच्छा है ना, चलो कटाते हैं। और सबसे सस्ता मतलब यहाँ पे काटता है और बाकी लोग बहुत महंगा काटते हैं, 1 केडी 2 केडी 2 केडी ऐसा लेते हैं, तो अपन का और रोटी अपन यहाँ से बाजू से लेते थे, मगर अभी पहले लोग अभी अपना नंबर आ गया काटने का, तो फटफट से कटवाते हैं फिर अपन यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अभी आगे बहुत ही काम है, तो वेट करिए देखिए किस तरह से काटा जा रहा है। Oh, 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 oh
भाई लोग बाल कैसे कट गए हैं मेरे, और मैं कैसा लग रहा हूँ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ यार, अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं? बाल यहाँ पे कटे 500 पैसे में, और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। तो बाकी सब बढ़िया है और जा रहे हैं अब सुपर मार्केट। मेरे पास में घूमने के लिए बहुत सारी जगह थे, बट आई हैव राइट नाउ ओनली दिस प्लेस कि मैं जो अपना काम करते हूँ फटाफट से बस बोल दीजिए। तो भैया आ गए अपन ग्रैंड कोस्टो में, अब जाएंगे सीधा अंदर और लेंगे अपना सामान, फिर निकलेंगे यहाँ से। वॉकिंग ज़्यादा हो गई यार, चलते हूँ यार, बहुत ज़्यादा वॉकिंग हो गई। तो पूरा रेडी है, अभी अपन चलते हैं घर पे क्योंकि हो रखी है रात, राइट, हो रखी है रात। क्योंकि अब मोबाइल पकड़ूँ या फिर मैं बैग पकड़ूँ, बैग हो रखा है, मैंने वाटर लिया है। खासकर हमारे बिल्डिंग में 400 फिल्स का, यहाँ पे 250 फिल्स में मिल रहा है, तो मैंने बोला ले लेता हूँ यार, बस थोड़ा है कि दूर लेके जाना पड़ेगा। निकलते घर पे, मिलते। Hey, what's up guys? Just अभी आया यार, बहुत ज़्यादा थक गया, फ्रेश अप हुआ पानी मार के, एंड अभी बाथिंग बाकी है क्योंकि बाल कटाया तो बाल मेरे कपड़े पे सब चुभे रहेंगे। तो मैं क्या क्या लेके आया थोड़ा सा रिव्यू ले लेते, और मेरे को लगी ये प्यास तगड़ा वाली, तो पहले पानी पीते, पानी या कोकोनट वाटर। भाई आजा, मैंने क्या क्या सामान लिए हैं इसके अंदर, सब मसाला है, बिरयानी है, और मैंने मेरे को साबूदाना, मेरा फेवरेट है, तो मैंने साबूदाना लेके आया है, तो इसमें वन ऑफ द माय फेवरेट है। देख रहे हो ये वाटर बॉटल जो मैं बिस्लेरी का पीता हूँ, एक्चुअली मेरे को है ना नीचे जहाँ से मैं खरीदता हूँ ना हमारे यहाँ से, वो बहुत जो बिस्लेरी का पानी जो पीता हूँ ना बहुत महंगा मिल रहा है, वो 400 फिल्स का दे रहे हैं, यहाँ पे 250 फिल्स में मेरे को मिल गया मेरा पानी का बॉटल। तो ये मेरे को खाली थोड़ा सा लेके आने में मेहनत लग गई, और चलो अभी पहले कुछ पीते हैं अपन। मैंने गोभी ला रखा है, लबान ला रखा है, एंड चिली ले लिया है, ये है कोकोनट वाटर। तो मैं जा रहा हूँ इस कोकोनट वाटर को पीने के लिए, क्योंकि थर्स्टी भी हूँ, थोड़ा प्यास लगी है, तो पीते हैं, खोलते हैं इसको। ए भाई पकड़ ले कोई, तो ए फक, पूरा मेरे ऊपर आ गया, शे शीघ्र पतन हो गया मेरा। मन कर रहा था लेने का इसलिए मैंने ले लिया, मैं क्योंकि कोकोनट वाटर में शुगर होता है, तो मैं बहुत ही कम चूज करता हूँ कि कैन वाला पीऊँ, बट अखा नारियल जो मिलता है उसमें नहीं होता है, तो पीते हैं। ये रही मेरी बिस्किट, तुमको बता दूं दोस्तों मेरा बिल बना है कितने केडी का बना है, मैंने कार्ड पर मारा तो मेरा बिल बना है 3 KD 680 पैसे का हुआ है ये गोल्डन सामान, मतलब आज भी मेरे 800 रुपए खर्चे हो गए। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन 100% खर्चा होता ही है, और आपका भी होगा। मैंने ये पूरा संभाल के रखा है, अब मुझे पूरा इसका हिसाब किताब करना है, और मैं उसको डायरी में लिख के रखूँगा कि मैं कितना खर्चा हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक 8 KG 7 KD और 3 KD मतलब ऑलमोस्ट 18 KD का शॉपिंग कर चुका हूँ खाने में खाली। आप लोग समझ सकते हो कि कितना खर्चा होने वाला है, यही सब सिनारियो। अब जा रहा हूँ घर पे बात करने के लिए और फ्रिज बनाने के लिए, पहले बात करूँगा फिर फ्रिज बनाऊँगा फिर खाऊँगा सो जाऊँगा, बस इतना ही है कहानी। और वीज़ा आप लोगों का नहीं आ रहा है यार, बहुत टेंशन में मैं भी हूँ, मुझे बात करना है, बट अनीता मैडम बोली थी कि मेरे को मैं आने वाली हूँ यहाँ पर, एक ही बार उनको मैंने मैसेज किया था, तो अभी पता नहीं चल पा रहा है। देखो यार वीज़ा, मैं सबके लिए प्रे करूंगा कि यार आप लोगों का वीज़ा आ जाए, बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, क्योंकि क्या होता है कि यार जिस तरह आप लोग होप लगा के बैठे हो कि आज आ जाएगा वीज़ा, आज आ जाएगा, सेम उसी तरह मैं भी 8 महीनों तक होप लगा के बैठा था, क्योंकि घर में चिक चिक पिट पिट बहुत ज़्यादा हो रहा था, बिकॉज ऑफ मनी कमा नहीं पा रहा था। मगर अब ठीक है, अब भगवान की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है, भगवान ऐसे ही बनाए रखना सुख शांति घर में, और मैं ऐसे ही कमाते रहूँ, अपनी फैमिली वालों की हेल्प करती रहूँ, और जो मेरा वीडियो बनाने का पैशन है आप लोगों के साथ में शेयर करते रहूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से आप लोग देखते हो, लवली लवली कमेंट करते हो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं बोलूँगा आपको पैसा कमाना है तो आप आइए, जी भर के पैसा कमाइए, मगर है ना यार मैं किसी को जॉब नहीं दिलाता हूँ, और ना मैं किसी को जॉब दिला पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद किसी दूसरे एजेंसी को पैसा भर के आया हूँ, तो समझ रहे हो, ज़्यादा इमोशनल हो रहा है यार, सॉरी यार, मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मैं खाली एक, मैं यार एक्चुअली कंटेंट ब्लॉगर हूँ, मैं अपनी लाइफ को दिखाना पसंद करता हूँ, बट मुझे लगा कि यार सब लोग कहीं ना कहीं वीज़ा कुवैत की लाइफ कैसी होती है वो सब जानने का शौक होगा लोगों को, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि यार मेरी वीडियो मतलब एक Q&A वाली वीडियो जाएगी, सर इसके बारे में पता करो, इसके बारे में पता करो, मैं नहीं यार, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ को कैप्चर करूँ और यूट्यूब पे डालूँ, दैट्स ऑल, मेरा पर्पस यही है मेरी लाइफ का, कि मैं को है ना मतलब
कैमरे के सामने ओपन अप होना है कि यार मैं झिझक ना करूं, मैं किसी से बात करते समय कभी वो ना हो। तो बस इसीलिए ये मेरी जर्नी शुरुआत हुई है और अपना एक पूरा मेमोरी जमा कर रहा हूं मैं यूट्यूब पे, जो मैं कभी भी कहीं से भी डाउनलोड कर सकता हूं। तो ये है मेरा सिनारियो। आप लोग सोचते होंगे यार जाके ये कंपनी में पता कर दो, कंपनी में नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि एक ही दिन छुट्टी मिली है और बाकी के 15-16 घंटे काम होते हैं। उस दिन मैं सोऊंगा या फिर मैं पता करने जाऊंगा, ये बताइए। 4-5 घंटे की खाली नींद ले रहा हूं तो नहीं हो पाता यार, सॉरी इसके लिए। मगर आपको जो जानकारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे कंपनी के बारे में, आई विल गिव यू एवरीथिंग फॉर दैट। बस 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 यहीं पे बस हो गया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है मेरी बेटी का जो वेलकम हुआ है ना, तो किस तरह घर में छोटी सी खुशियां मनाई गई हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ अगले वीडियो में, तो इंतजार करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। तो यही है जर्नी आज की मेरी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को क्या करने का है, लाइक करना है भाई साहब, जो भी तुमको समझ में आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो अच्छी लगी तो शेयर कर देना यार। एक नॉर्मल कैसे रहता है, आज का वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा कि एक स्टाफ किस तरह से रहता है अपने इस छोटे से घर में और किस तरह से वो इंजॉय करता है अपनी लाइफ को। देखो अभी तक मेरे यहाँ पे कोई नहीं है, ये काम पे गया है, ये रात को सुबह आएगा, ये सुबह 6 बजे आएगा, वो सुबह 8 बजे आएगा, ये बस थोड़ी देर में अभी आता ही होगा ये बंदा। एंड इस तरह से सबका सामान नीचे देख रहे हो, नीचे वाह ये पूरा बिखरा पड़ा हुआ, इधर से ग्रैंड कोस्टो, ग्रैंड कोस्टो, मेरा भी यहाँ पे मम्मा की कृपा है कि मेरे पास में कुकर है और ये बिस्किट वगैरह मैं भी इसके अंदर घुसेड़ दूंगा अभी, और फिर एक मूवी खत्म करूंगा पृथ्वीराज चौहान और वीडियो एडिटिंग करूंगा। बस यही सब काम है मेरे को और कुछ नहीं। मेरे डे ऑफ के दिन बन रही है लाजवाब मच्छी, जैसा कि मैंने कहा था आज मच्छी बनेगा, तो मच्छी ये हो रहा है अपना मच्छी फ्राई। मैं मच्छी एंड प्रॉन फ्राई किया हुआ है, आई होप तो कि ये अच्छा बना होगा, खाने के बाद में पता चलने वाला है। तो वही मच्छी फ्राई हो रही है और यहाँ पे किसी का राइस बन रहा है, खाने के बाद में मिलेंगे। नथिंग इज स्पेशल एंड सोच रहा हूँ बीच पे जाने के लिए, तो जरूर उसके लिए भी प्लान बनाते हैं, क्योंकि जब तक प्लान नहीं बनाएगा तब तक आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए भी प्लान बनाएंगे और वील गो टुगेदर बीच पे, क्या सिनारियो होने वाला है। ओके तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, अभी तक आपने मुझे ना इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो करने ला, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। अनु पापा लव यू टू मच रियली, मेरा बच्चा रे, आई मिस यू टू मच भाई, जल्दी आएगा तेरा पापा। ओके पापा तेरे लिए पीपी 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 गाड़ी चलाएगा, पीपी गाड़ी पे अपन घूमने करने जाएगा। चलो बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो देखने के लिए। ये थोड़ा सा मेरी बेटी के लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि ये शी इज वॉचिंग मी इन इंडिया, तो ये सब बोलना पड़ता है उसके लिए।